Example 4 find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points 7 comma 1 and 3 comma 5 हमको रिलेशन पता लगानी है दो पॉइंट दिए हुए हैं और एक तीसरा पॉइंट एक्स वाई है वो ये बोल रहा है कि ये पॉइंट एक्स वाई है ये दोनों गिवन पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है अब इसको बिना डायग्राम के भी आप सॉल्व कर सकते थे और मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ तो वट आई विल डू आई विल फॉर्म अ ग्राफ मैं एक बनाता हूँ समझाने के लिए हाँ सो पॉइंट दिया हुआ है मैं एक्स वाई सपोज दिस इज द पॉइंट एक्स वाई इसको आप पहले ड्रॉ कर लो या आप बाद में कर लो डजेंट मैटर देन द पॉइंट्स दिए हुए सेवन वन तो सेवन वन यहाँ आया एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ए सपोज इसका नाम ए पॉइंट है इसका नाम बी है नामकरण हमने कर दिया ये दो पॉइंट हैं एक पॉइंट है ये पी एक्स वाई जिसके कॉर्डिनेट एक्स वाई है वो हम क्या बोल रहे हैं दिस पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड इक्वी डिस्टेंस फॉम ए अब वो स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकता है वो यहाँ कहीं पर भी हो सकता था मीन्स जो सेंटर लाइन पर मैं यदि एक ड्रॉ कर दूँ तो यदि यह यहाँ पर भी होता तो इससे भी बराबर होता और इससे भी बराबर होता कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में भी हो ठीक है ये तो मैं जस्ट ड्रा करने के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इससे आपको एक चीज़ और बताऊँगा बट टेक्निकली आप मेरे से पूछें आप जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते थे सिम्पल ऐसी सी राइट right? अब बोल देते एक पॉइंट ये मान लो ये ग्राफ नहीं होता तो आप लिखते एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है ये पॉइंट पी एक्स वाई है हमको इन दोनों का डिस्टेंस पता लगाना है उसने बोला ये ये और डिस्टेंस ये डिस्टेंस दैट मीन्स टू कोआर्डिनेट बीस का डिस्टेंस अब ये किस पी के डिस्टेंस इससे लो पी का डिस्टेंस इससे लो बाई यूजिंग विच फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला यदि ये एक्स वाई है तो क्या बोलोगे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर का अंडर रूट ये डिस्टेंस हो गया ऐसे ही यहाँ का x माइनस सेवन का स्क्वायर y माइनस वन का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट वो इज इक्वल टू तो दोनों बराबर होनी चाहिए देन यू विल गेट अ रिलेशनशिप लेट्स डू द सेम थिंग लेट पी एक्स वाई बी द इक्वी डिस्टेंस फॉन द पॉइंट ये इक्वी डिस्टेंस है राइट इफ इट इज अक्वी डिस्टेंस वट वी आर से पी ए से पी का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस आर इक्वल ए पी हमें मालूम ही है दो पॉइंट का डिस्टेंस या बोलें ए पी का स्क्वायर और बी पी का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का डिस्टेंस बराबर होगा अब ये लेफ्ट में हो रहा आउट हो डजेंट मैटर हमने स्क्वायर कर दिया ना भी करें ना तो बिना स्क्वायर के भी मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट का साइन आता है स्क्वायर रूट का स्क्वायर फिर साइन कट जाता तो क्या हो गया एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्सर स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री तो स्क्वायर प्लस वाई माइनस दैट इज वॉट वी डिस्कस्ड जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू अब इसको सॉल्व कर लो यार थोड़ा एक्स माइनस वाई को स्कायर तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यूज़ दैट फॉमूला उससे आपने एक्सपेंड कर लिया अब एक्सपेंड कर लिया तो कट कर दो एक्स स्क्वायर एक्सक्वायर से और ये सब वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट जाएगा तो वट यूल गेट यूल गेट फाइनली एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एंड दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई विच यू आर सपोज टू फाइंड तो वी हैव फाउंड आउट दैट रिलेशनशिप तो क्वेश्चन सोल्व राइट दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन अब यदि मैं आपको बोलूँ इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हो यस यू कैन ईजिली ड्रॉ एक्स की वैल्यू मान लो जीरो है तो वाई की निकल जाएगी एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स की निकल जाएगी दैट मीन्स टू थ्री पॉइंट आपको मालूम है यू कैन फाइंड एक्स माइनस वाई क्या है दिस इज अ लीनियर तो एक लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन द एंड दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन यू विल फाइंड कि दिस स्ट्रेट लाइन विल बी दिस कहने का मतलब ये है ये मैंने क्यों बनाई क्योंकि पहले मैंने आपको क्या किया कि ये दो पॉइंट बना के और इसके बीच में मैंने बोल दिया पी एक्स वैया क्योंकि समझाने के लिए बट एक्चुअली ये रिलेशन क्या बताता है कि ए और बी पॉइंट के बीच में यदि मैं एक ऐसी लाइन कूँ जो इन दोनों को ए और बी को जो लाइन जोड़ रही है उसकी परपेंडिकुलर बाई हो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मींस ये नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रही हो और इन दोनों को बराबर डिस्टेंस में डिवाइड कर रही हो एक तो बाई कर रही हो और नाइन्टी डिग्री में हो तो इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू टू इसके ऊपर जो भी कोई मैं पॉइंट लूँगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट B और इक्वी डिस्टेंस फॉर्म ए सपोज ये पॉइंट ई वाला टू है तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यू विल फाइंड इट इज सेम या इसके कॉर्डिनेट कितने हैं टू ज़ीरो राइट एक्स की वैल्यू टू एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो वाई ज़ीरो तो अब ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो कॉर्डिनेट मालूम है कैसे निकालोगे एक्स कॉर्डिनेट जीरो टू जीरो और ये कितना है थ्री फाइव बस डिस्टेंस निकालो और इसका इसका डिस्टेंस निकालो यू विल फाइंड एग्जैक्टली सेम तो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जो एक कॉमन लाइन होती है जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है उसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर यदि कोई भी पॉइंट होगा इट विल बी ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी